दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके पास एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच स्थित सगिटारियस नाम के ब्लैक होल की तस्वीर ली है। ये सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी से 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। ये किसी ब्लैक होल की जारी की गई दूसरी तस्वीर है। इसके पहले अप्रैल 2019 में मेटी 7 गैलेक्सी के ब्लैक होल की फोटो सामने आई थी। ये अनूठी खोज इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन में शामिल रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने की है। उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप के विश्वव्यापी नेटवर्क की मदद से इस तस्वीर को विकसित किया। इस रिसर्च के नतीजे एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किए गए हैं। एक ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता है। इसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब तारों से उनका न्यूक्लियर फ्यूल निकलता है या इनकी मौत हो जाती है। सगिटारियस आर की तस्वीर इंटरफेरोमीट्री तकनीक से ली गई है। इसके जरिए फोर टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा को जोड़कर एक तस्वीर या वीडियो बनाया जा सकता है। सगिटारियस आर की ये फोटो अब तक की सबसे साफ तस्वीर है। इन टेलीस्कोप्स की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्लैक होल की अपनी कोई रोशनी न होने के बाद भी हमें उसकी इतनी साफ इमेज मिली। वैज्ञानिकों ने आसपास चक्कर लगा रहे तारों की रोशनी में ब्लैक होल को पहचाना और उसकी फोटो ली। तस्वीर में बीचों बीच एक काला होल देखा जा सकता है जिसके इर्द गिर्द रोशनी की एक रिंग है। ये रिंग असल में बेहद गर्म गैस है जिसे ग्रेविटी बांधे रखी है। इसका आकार 6 करोड़ किलोमीटर का है। वैज्ञानिकों ने 2019 में जिस ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी वो सगिटारियस से काफी अलग था। मेसियर 87 या 87 गैलेक्सी का यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से 6.5 बिलियन गुना से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे गणित के अंकों में भी नहीं लिखा जा सकता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।